न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दौरान भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं, तमाम पुलिसकर्मी हैं या नगर निगम के कर्मचारी हैं, सभी तत्पर हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि हमें और आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ऐसे में बार बार पुलिस का निशाना बन रहे हैं नगर निगम कर्मी। आपको बता दें कि पटना नगर निगम के जो कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो फिर से एक बार पटना पुलिस के निशाने पर हैं। पटना पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी है। पिटाई के बाद से तमाम जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। वो अपने अंचल कार्यालय पहुंचे, वहां पे उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद से आनन फानन में कह सकते हैं कि पटना की मेयर सीता साहू ने एक बैठक बुलाई। बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया, तमाम कह सकते हैं कि जो वहां के आसपास के जो वार्ड पार्षद उन्हें बुलाया गया। बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकला, जो तमाम पुलिस पदाधिकारी हैं उन्हें भी निर्देश दिए गए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कि आप नगर निगम कर्मियों की पिटाई ना करें। एक चीज़ और सामने आई है कि उनको अब एक कह सकते हैं कि ड्रेस कोड दिया जाएगा जिसको पहन के वो बाहर निकलेंगे और उनके पास आईडी कार्ड रहेगी। और पुलिस को भी यह समझाया गया है कि आप बिना आईडी कार्ड चेक किए या ड्रेस कोड देखे हुए उनकी पिटाई ना करें। किस तरीके से क्या कुछ हुआ वहाँ, पूरा चीज़ देखिए इस वीडियो में, और क्या कुछ कहा मेयर सीता साहू ने ये भी सुन लें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो जिसको प्रधानमंत्री कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को पैर छुए थे और उनको प्रशंसा किए थे, आज उसी को पीटा जा रहा है। हम लोग कोरोना में भी कर्मचारी लोग निकल के जब ये काम कर रहा है तो उनको सराहना, उनको और प्रोत्साहन देना चाहिए, नहीं बल्कि उनको पीटा जा रहा है पुलिस के द्वारा। कल परसों भी पीटा गया था, परसों भी पीटा गया था, कल भी पीटा गया था, आज भी पीटा गया है। इसमें एक बार पार्षद भी, 54 के बार पार्षद अरुण शर्मा जी हैं, उनको भी पीटा गया है जी। आप पटना के मेयर हैं, आप किस किस रूप में लेते हैं और सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से यही मांग करूंगी कि आप जो एक हो रहा है अत्याचार, उनको आप उन पर ध्यान दीजिए और उनको उनको कार्रवाई की जाए। और DM से बात की कर चुकी हूँ, उन्होंने कहा है कि हम इसको देख लेते हैं। कल सर हम ड्यूटी करते समय हम 4 बजे करीब गाड़ी लगाए हैं निगम में। निगम में गाड़ी लगाने के बाद निगम से बाहर निकले, जा रहे थे अपने घर की ओर, प्रशासन जो है हमको देख के मारा। आम जनता हम लोग को स्वागत कर रहा है कि जो सफाई कर्मी को कहीं कहीं माला पहनाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा हम लोग को मार पड़ रहा है। आलमगंज थाना के प्रशासन हमको मारा सर। कुछ वजह नहीं सर, हम बस घर जा रहे थे, रुकवा के ऐसे देखा है, गौर से देखा, बस मारना शुरू कर दिया सर। आप बताए थे क्या कर्मचारी? ड्रेस में, फुल ड्रेस में थे सर, बैच भी था, आईडी भी था, उसके बाद भी हमको मारा गया। कल भी जो है दिन में रैन बसेरा में सर, रैन बसेरा में सोनू जी जो है गए थे नाश्ता लाने के लिए लेबर लोग के लिए, उनको भी जो है मारा गया सर। और फिर शाम में हम गाड़ी लगा के गए तो हमको भी मारा गया सर। आप लोग आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग स्ट्राइक में हैं सर। आज अपने अधिकारियों से, हाँ अधिकारियों से यू साहब के पास गए सर कि हमको मारा गया सर, गेट से बाहर निकले, हमको मारा गया। हाँ स्ट्राइक है सर। नहीं, वार्ता हो गई कि अब ये लोग एप्रॉन में रहेंगे, अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे और जो गाड़ी वगैरह से हैं तो अपना हेलमेट वगैरह पहनेंगे, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नियमों का पालन किया जाएगा। पुलिस की तरफ से भी उनको समझा दिया गया है, जो आईडी कार्ड दिखाएंगे उन पर कोई भी कार्रवाई ना करें। नगर निगम हमारे एसेंशियल स्टाफ हैं तो इनकी सर्विसेज सबसे महत्वपूर्ण है इस टाइम में,
और ये सहमति बन गई है, सभी थाना अध्यक्षों को भी निर्देश जा रहा है कि वो अपने अधीनस्थ सभी को इस बात को खबर कर दें कि नगर निगम के किसी भी स्टाफ को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। ये तो है, ये है तो इसको तो था माहौल तो कौन देगा। जब इसको आप निगम का